हेलो दोस्तों, टैक्स और फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक नए वीडियो के साथ, और आज मैं बात करने वाला हूं कि जो आज सुबह में एक न्यूज आई है जिसमें कहा गया है कि 4 लाख, सही सुना, 4 लाख एसएससीज यानी ऐसे लोग हैं जिनको इनकम टैक्स ने आज नोटिस भेजा है। लेकिन इस नोटिस भेजने में खासियत यह है कि जो नोटिस भेजा गया है उसका जो असेसमेंट होगा, सुनवाई होगा, उसको ई असेसमेंट स्कीम और फेसलेस स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया गया। यानी कि जो नया सिस्टम ई असेसमेंट शुरू होने वाला है, 8 तारीख से रोल आउट होने वाला है, उसके लिए ऑलरेडी 4 लाख, बहुत बड़ा नंबर इस देश के, उनको नोटिसेस जा चुके हैं। तो मैं इस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूं कि जिनको भी नोटिस गया हो क्या करें, कैसे रिप्लाई करें, और इसमें ऐसे कौन कौन से लोग होंगे जिनको नोटिस गया है लेकिन ई असेसमेंट अप्लाई नहीं होगा। तो मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, और बगल में न्यूज भी आ रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो वहां पे दिख रहे होंगे कि कुछ न्यूज के क्लिपिंग भी चल रही है। तो मैं बात करने वाला हूं कि इसमें पहले होगा क्या, जो ये असेसमेंट स्क्रूटनी के जो नोटिस आए होंगे इसका जो सेक्शन होगा 143(2) के अंतर्गत ही आएगा। यानी कि जो भी आपको नोटिस आ रहा है 143(2) के अंतर्गत आ रहा है, यानी स्क्रूटनी के नोटिस जा रहे हैं। इसमें जिस भी यूजर को जा रहा है उनको 15 दिन में रिप्लाई करना है। सही सुना, अगर आपको ये नोटिस गया है तो आपको विद इन 15 डेज, जिस दिन से नोटिस गया है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली रिप्लाई करना है। मैंने एक नया वर्ड इसमें जोड़ा है कि जो नोटिस गया इसका जो रिप्लाई होगा वो 15 दिन के अंदर आपको देना है, और वो भी ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू देना है, यानी डिजिटल देना है, जिसकी वजह से इसका नाम ई असेसमेंट पड़ा। ई असेसमेंट का मतलब ही इलेक्ट्रॉनिक है। साथ के साथ इंडिविजुअल को जो रिस्पॉन्ड के लिए काम किया गया है उसमें भी थोड़ी सी बारीकी यह है कि जो आप रिप्लाई करेंगे, ये नहीं कि आप कहीं से रिप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका जो रजिस्टर्ड अकाउंट होगा, जिस पैन कार्ड से आपने रिटर्न फाइल किया है, मैं बात करूंगा उनके लिए भी कि जिन्होंने मैनुअली फाइल किया है उनको अगर नोटिस आए, ये पीछे के सालों के भी हो सकते हैं, या जिनके पास पैन कार्ड ही नहीं है, दोनों केसेस हैं, उनमें भी जा रहे हैं, तो उनकी बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो पहली चीज़ कि अगर आपको नोटिस आए तो आपको सिस्टम के थ्रू अपने लॉगिन आईडी से, जिस आईडी से नोटिस आया है, जिस आईडी के लिए आया है उसी आईडी, यानी कि जो आपका आईडी होगा, आपका पैन कार्ड होगा, उसी से आपको रिप्लाई करना है। साथ के साथ इसमें आपको प्रेजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास जाना नहीं है, और जो कहा जाता है डिपार्टमेंट के लिए, मैं उस वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहूँगा, उस प्रोसेस से आप थोड़ा दूर रहिए, और आपके लिए अच्छा है कि आप उस प्रोसेस से दूर रहें। डिपार्टमेंट से आप जितनी दूरी बना के रखते हैं आपके जीवन में खुशहाली और शांति रहती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि डॉक्टर, पुलिस और हम लोग कहते हैं टैक्स, अगर इस 3 चीज़ों से आप दूर हैं तो जीवन में बहुत शांतिपूर्वक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या था और मैं क्या कहना चाहता हूं। साथ के साथ अगर आपको नोटिस आया है तो अब आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकते हैं, मेरे जैसे किसी सीए को नहीं भेज सकते हैं, या किसी आपके जानने वाले सीए को नहीं भेज सकते हैं, कोई आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है। इस ई असेसमेंट में वो मदद क्या कर सकता है कि आपके लॉगिन में जा आपके बिहाफ पर रिप्लाई कर सकता है, इसके अलावा वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। यानी कि कोई भी लॉयर, वकील या सीए वहां जाके किसी तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं देने वाला है। साथ के साथ अगर आप और डिपार्टमेंट में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो केवल केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होगा, यानी आप डेटा अपने लॉगिन में जाके वहाँ पे ई प्रोसीडिंग होगा, उसी प्रोसीडिंग में जाके आपको डेटा देना है, यानी आप मैनुअली कहीं नहीं जा रहे हैं, आप किसी से मिल नहीं रहे, जो भी डेटा का एक्सचेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली डिपार्टमेंट में आपके लॉगिन से डिपार्टमेंट को जा रहा है, यानी कि सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हो रही है। इसके अलावा कहीं कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, ये फुली ऑटोमेटेड स्कीम है, यानी कि यहाँ पे जो भी काम होगा ये फुली ऑटोमेटेड है और पूरी तरह से ऑटोमेशन के साथ होगा। यानी कि मैंने पहले बोला कि जब मैनुअल नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो असेसमेंट है वो ऑटोमेटेड है। साथ के साथ जो वेरिफिकेशन और टेक्निकल असिस्टेंट, कोई भी जो यूनिट है, ये सारा जो प्रोसेस है इसको सिस्टम में रिकॉर्ड भी करेगा और एविडेंस की तरह रखेगा भी। इसमें जो भी वेरिफिकेशन यूनिट, जो भी अगर आपको कोई डिसीजन भी आता है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट मांगता है, वो सब ऑनलाइन होगा, और कोई जो जजमेंट आता है या किसी तरह की कोई पेनाल्टी लगाई जाती है, इसका भी जो निपटारा होगा वो
ऑनलाइन ही होगा, यानी जो पेमेंट भी होना है वो ऑनलाइन के थ्रू ही होंगे, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। जो भी असेसमेंट ऑर्डर भी होगा वो भी आपके ईमेल आईडी पे ही आएगा। जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो आपके जो भी रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो भी स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक डिज़ाइन किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे कंडीशन है जो कि आज ही वो भी आए हैं, सीबीडीटी ने उनको क्लियर किया है कि कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें कि ई असेसमेंट नहीं हो पाएगा। सही सुना, पुराने तरीके ही आजमाए जाएंगे। उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने मैनुअली रिटर्न फाइल किया है और आपके पास पैन कार्ड नहीं हो या आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, तब केस में आपको मैनुअल जाके सिस्टम से फिर लड़ना पड़ेगा। जो मैनुअल सिस्टम है उसी सिस्टम के थ्रू आपको जाके अपनी जो भी रिप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस भी बताए गए हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पे कि मुझे ज़रूरत है कि जो एसएससी है उसको रिप्रेजेंट करना, उसको उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कहा। उस केसेस में आपको जाके फिजिकल प्रेजेंस होना पड़ेगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ उन्होंने कहा कि कोई अगर सर्च रेट इस तरह की कोई चीज़ें हुई हैं और उसके लिए कुछ प्रोसीडिंग चल रहा है फिर वो केसेस भी यहाँ पे कवर नहीं हो पाएंगे। साथ के साथ अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी किसी भी पर्सनल हेयरिंग की ज़रूरत है तब आप वहाँ प्रेजेंट, जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसका रिप्लाई करेंगे कैसे। देखिए इसके लिए बहुत सिंपल है, आप अपने ईमेल आई जो आपका पैन कार्ड है उसके थ्रू incometaxefiling.gov.in पे जाके लॉगिन करें। आप अगर टॉप में देखेंगे जो उनके कैटेगरीज होंगे वहाँ पे ई असेसमेंट होगा। जब आप ई असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा नए पोर्टल पे लेके जाएगा। वहाँ पे आप अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन, आपके जो भी हियरिंग है वो दिख जाएगी, साथ के साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन देने हैं वो वहीं पे हो जाएंगे। दिक्कत क्या आ रही है जो हमने अभी तक फेस किया है, डिपार्टमेंट के साथ एक जो चैलेंजेज रहता है साइज को लेकर बहुत चैलेंजेज होते हैं। तो जो भी डेटा आप अपलोड करें उसमें थोड़ा सी ध्यान ये रखें कि जो डेटा आप अपलोड करें उसके जो फाइल की साइज हो उसको मिनिमाइज करके रखें और ब्लैक एंड वाइट में ही डालें, सो दैट कि ब्लैक एंड वाइट में जो डेटा होता है वो कंजम्पशन, जो अपलोड होने की जो प्रोसीजर्स होते हैं बहुत आसान होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को इस तरह की असेसमेंट के नोटिस ना आए, भगवान करें कि आपको ना आए। लेकिन अगर आपको आए हुए हैं और किसी तरह की परेशानी का सामना आप कर रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस ई असेसमेंट प्रोसीजर को आप पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकें। और इस प्रोसीजर को इसलिए भी लाया गया कि ये पूरा प्रोसीजर बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, जो डिपार्टमेंट की छवि है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। और जो मोदी गवर्नमेंट की एक कहने के जो हर बात वो कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, ये उसके तहत ही ये प्रयास किया गया है और इसको एक अच्छा प्रयास की तरह देखा जा सकता है। लेकिन अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि ये क्या है, जब तक ये प्रोसीजर अमल में नहीं आ जाता है हम भी इंतज़ार करते हैं इस प्रोसीजर का कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह से ये रोल आउट होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे सिस्टम के साथ मर्ज होती है और कितना हमें कम्फर्ट देती है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको भी ये नोटिस आए वो जरूर वीडियो देख रहे होंगे और वो समझ रहे होंगे कि इस ई असेसमेंट से कैसे निपटा जा सकता है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर किसी को इस तरह की कोई परेशानी है तो ये वीडियो जरूर उनको शेयर करें, उनको बताएं कि ई असेसमेंट प्रोसीजर क्या है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।